क्या कोई बिना ग्रेजुएशन किए हुए आदमी फर्जी तरीके से आईआईएम का डायरेक्टर बन सकता है? बन सकता है अगर वो ब्राह्मण समाज से हो तो, सिस्टम उसको सपोर्ट करता है। अडानी के लिए बिजली के दाम गुजरात में 10 रुपए पर यूनिट कर दिया गया, आपको कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। तो सोचिए, ऐसी वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है वो मैं आपको लेकर आया हूं। वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है, जो टीवी अखबार आपसे छुपाता है। सोचिए, अरविंद केजरीवाल पहले चिट्ठी लेकर घूमते थे अन्ना आंदोलन में, फलाना पर आरोप लगा कनिमोरी जेल, ए राजा जेल, सरकार चली गई मनमोहन सिंह की। अब मनीष सिसोदिया को जेल हुआ, आरोपी तो लगा है ना सर, आरोपी हैं, सबर कर लीजिए। सोचिए, लालू यादव भ्रष्ट था, मायावती भ्रष्ट थी, मुलायम सिंह यादव भ्रष्ट थे, शिबू सोरेन भ्रष्ट थे इनकी नजरे में, इनके डिप्टी सीएम चूंकि वो राजपूत समाज से हैं जेल गए। तो 9 विपक्षी दलों ने चिट्ठी लिख दी, कांग्रेस ने उसमें नहीं लिखा है। खैर, मैं पहले से कह रहा हूं कि पहले बीच कांग्रेस के राज में सिर्फ शोषित वंचित समाज के नेताओं पर कार्रवाई होती थी, मोदी जी के राज में सब पर कार्रवाई हो रही जो अपोजिशन का है। तो तमाम इंस्टीट्यूशन को कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर शक के दायरे में खड़ा कर दिया। और जब सवर्ण समाज पर कार्रवाई होती है तो वो समाज सड़कों पर उतरता है, अपना बचाव करता है। और जब दलित बहुजन आदिवासी अल्पसंख्यक मुसलमानों पर कार्रवाई होती है तो हम लोग मूर्धर्षक रहते हैं, लेकिन हम लोग संविधान मानने वाले, इसलिए हम संविधान में, सोचिए आजम खान साहब के खिलाफ एक के बाद एक फैसले आ रहे हैं, सबको पता है क्यों फैसले आ रहे, उसके बाद भी पूरा मुस्लिम समाज उसको एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि हम लोग संवैधानिक लोग हैं। लालू यादव जेल गए, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, तमाम जांच होती रहती है। शिबू सोरेन जेल गए, एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग किसी कीमत पर डेमोक्रेसी संवैधानिक व्यवस्था को मानते हैं। लेकिन ये लोग, जब दलित पिछड़ा आदिवासी गरीब लाचार बेबस हो तो उनको चोर नजर आता है, और जब अपने पर बारी आती है तो ये इंस्टीट्यूशन को भी नहीं मानते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। सोचिए सोचिए, अंबानी के चैनल अभी तक जो नफरत ही फैलाते थे, हिंदू मुसलमान का खेल खेलते थे, अब फर्जी भी खबर भी चलाने लगे हैं। एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने चैनल पर मुकदमा कर दिया है, हर कोई नहीं डरता अंबानी से। पता नहीं देश का सबसे बड़ा पैसे वाला इतनी नफरत फैलाने में क्यों जुटा है। तो सोचिए किस तरह से तमिलनाडु को लेकर खबरें फैलाई जा रही, कोई कल्पना कर सकता है? सब अफवाह है, ये सारे 52 टोली के मनुवादी जातिवादी ब्राह्मणवादी पत्रकार अफवाह फैलाते हैं। 2014 से 2021 के बीच आईआईटी आईआईएम और देश भर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 68 से अधिक एससी एसटी ओबीसी के छात्रों ने सुसाइड किया है, ये पूरी व्यवस्था की जांच होनी चाहिए। और सोचिए, एबीपी, भास्कर, हिंदुस्तान, पंजाब केसरी और तमाम सवर्ण यूट्यूब जिसमें एक मुस्लिम समाज के अभी युवा शामिल है, उसके खिलाफ कंप्लेन हुआ है, जो एफआईआर हुई है, जो अफवाह फैला रहे थे। तो एससी की कारस्तानी देखिए, सोचिए, एससी अभय प्रताप सिंह ने लिखा है, अब ठाकुर भी इस देश में जज नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। सोचिए, अर्जुन सिंह, बीपी सिंह को इन लोगों ने बाहर, पूरे ठाकुर समाज को बाहर कर दिया। अर्जुन सिंह, बीपी सिंह ने इस देश में न्याय के लिए अपना काम किया है, ओबीसी को बहुत जो भी मिला अर्जुन सिंह और बीपी सिंह की वजह से। एससी की कारस्तानी बताता हूं, 1979 जस्टिस वाई वी चंद्रचूड ने बीएन कृपाल को जज के लिए चुना, मतलब जो अभी चीफ जस्टिस है उनके पिता ने। बीएन कृपाल ने डीवाई चंद्रचूड को जज के लिए चुना, जो अभी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। इनके बेटों को उसने चुना, उसके बेटे को इन्होंने चुना। अब डीवाई चंद्रचूड एसबी कृपाल को जज के लिए चुना है, ये एससी है या जज का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? फिर सीजीआई कहते हैं कि जनता है, सुसनी हो रही है। सोचिए, तो ये चल रहा है, इसलिए कोलेजियम सिस्टम हटना चाहिए। डीवाई चंद्रचूड जस्टिस वाई वी चंद्रचूड के बेटे हैं, एसबी कृपाल जस्टिस बीएन कृपाल के बेटे। तो सोचिए, जज की नौकरी पिताजी की पैरवी से मिलती है। और ओबीसी हित के दो सबसे ऐतिहासिक काम ठाकुरों के हाथ से हुए, अब उनको जज बनाने का रिस्क कौन ले? पता नहीं कब कौन ठाकुर जज आगे बढ़कर न्याय करने लग जाए। दिलीप मंडल ने लिखा है, ठाकुरों ने न्याय भावना होती है, पता चलने के बाद से ठाकुर सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बनाए जाते हैं। इस समय सुप्रीम कोर्ट के 34 जजों में एक भी क्षत्रिय नहीं है, पता नहीं राजा साहब कब न्याय कर दें। तो ये दिलीप मंडल ने लिखा, और ये सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। बिहार की एक बहुजन बेटी ने मनुस्मृति जला दिया और उसे चिकन बना रही है, इससे शुभम शर्मा की भावनाएं हाथ हो गई। इनको नहीं पता है कि जिस दिन गैर बराबरी लिखे ग्रंथों से बहुजनों की भावना हाथ हुई 97% हिंदुओं की, उस दिन क्या होगा। अब तो मोहन भागवत भी मान रहे हैं, तो सोचिएगा जरूर।
और ये देखिए जो सोशल मीडिया पर मैं तमाम खबरें जो है बताता रहता हूं, कपिल सिब्बल के बाप ने उन्हें हार्वर्ड में पढ़ाया। सोचिएगा ध्यान से, कपिल सिब्बल के बाप ने उन्हें हार्वर्ड में पढ़ाया, कपिल ने अपने बेटे अमित और अखिल को कैम्ब्रिज और स्टैनफोर्ड में पढ़ाया, लेकिन कपिल सिब्बल नहीं चाहते बाकी लोग भी अपने बच्चों को टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं। वो विदेशी यूनिवर्सिटीज द्वारा भारत में कैंपस खोलने का विरोध कर रहे हैं। ये है ब्राह्मणवादियों का असली चरित्र। मनुस्मृति इज इलीगल, आर्टिकल 13 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मनुस्मृति इलीगल है। तो आप मनुस्मृति जलाते हैं तो डरने की बात नहीं। और सोचिए, ये वो लोग हैं बिहारी मजदूरों पर हमले की फर्जी खबर के मामले में जिन पर पुलिस ने केस दर्ज किया है, वो मैं खबरें बता रहा हूं। ये कौन लोग हैं उनको देख लीजिए, और ये बहुत जरूरी खबर है। तो सोचिए, ये वो तीन लोग हैं जो तमिलनाडु पुलिस ने अधिकारियों ने बिहार के मामले में खबर फैलाने पर जिनके आरोप आईपीसी के 153/505 के खिलाफ जो धारा के उसमें भाजपा के प्रवक्ता हैं प्रशांत उमराव, जिनको केस दर्ज किया गया। उसके बाद ट्विटर हैंडल तनवीर पोस्ट के मलिक मोहम्मद तनवीर और एक अन्य शुभम शुक्ला पर भी नाम दर्ज किया गया है। और दैनिक भास्कर के तो शुभम शुक्ला और तनवीर, ये तमाम लोगों पर केस दर्ज किया गया है जो फर्जी अफवाह फैला रहे थे। सोशल मीडिया, बहुजन मीडिया, बहराइच में एक बार फिर से जातिवादी गुंडों ने एससी महिला पर अत्याचार किया। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि बहुत ही हॉरेबल है। और राजस्थान में फिर से दलित युवक की हत्या हो गई है, हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। और सोचिए, त्रिपुरा में हिंदुओं के घर जला दिए गए क्योंकि उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया था, हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। तो सोशल जस्टिस की तमाम बड़ी खबरें जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, भाजपा राज में आत्महत्या करने को मजबूर, शिक्षित बेरोजगार एटा में, हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। और मैं हैरान हूं कि मोदी जी गुजरात को कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं। सोचिए, जो बिजली गुजरात को 4.4 यूनिट में मिलनी चाहिए थी वो अडानी पावर एक्सचेंज महंगे दाम पर बेची है। तो सोचिए, 102% की इजाफा हुआ है। ये सब खबरें हैं जो आपसे छुपाया जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। वो खबरें हैं जो आपके लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है, और ये खबर आपको जाननी चाहिए और समझनी चाहिए। जो योगी जी कह रहे हैं कि थर थर कांप रहे गुंडे, अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटे को पुलिस ने बाल सुधार गिरी में रखवा दिया है गुमशुदा कहकर, कि सड़क पर लावारिस मिले थे। अतीक अहमद के दोनों बेटे, ममता त्रिपाठी ने इस खबर को लिखा है, अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटे खुल्लदाबाद बाल सुधार गिरी में पुलिस ने 2 मार्च को दाखिल करा दिया था। सीजीएम कोर्ट में धमनगंज पुलिस ने बाकायदा शपथ पत्र देते हुए कहा कि दोनों लावारिस हाथ में मिले थे, उन्हें बाल गिरी भेज दिया गया। यहां एसटीएफ दूसरे राज्यों में छापामारी कर रही। तो अब तक सोचिए किस तरह से चल रही है। और गुजरात में देखिए, 2.83 रुपए पर यूनिट था, वो अब 8.83 रुपए पर यूनिट हो गया है 2022 में। तो 2 रुपए यूनिट वाला बिजली जो है वो 8 रुपए के करीब में बिक रहा है। वहीं दुर्गेश मेघवाल मर्डर में परिवार के साथ सुनेल में झालावाड़ के साथ ही मृतक परिवार के साथ धरना दे रहे हैं। तो राजस्थान में सीएसटी को बिल्कुल न्याय नहीं मिल रहा है। अभी तक इंद्र मेघवाल को न्याय नहीं मिला है, उसके बाद एक और शख्स की हत्या हुई थी कार्तिक भील की, उसके बाद फिर से एक बार दुर्गेश मेघवाल की हत्या हो गई है और लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। तो सोचिए, और मनीष सिसोदिया के पक्ष में 9 पार्टी के लोगों ने चिट्ठी लिखी है। सवाल है कि बहुजन, और ये देखिए, आईआईएम रोहतक के निदेशक ने, सोचिए, बिना ग्रेजुएशन के आईआईएम रोहतक का डायरेक्टर जो है, इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट ने कहा था कि धीरज शर्मा ने मंत्रालय को अपनी स्नातक की डिग्री प्रदान नहीं की थी, नाम था धीरज शर्मा। तो सोचिए, अगर आप ब्राह्मण हैं तो बिना ग्रेजुएशन के भी आईएम का डायरेक्टर बन सकते हैं। यह सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये है मनीष पांडे, इतना ज्यादा फेक न्यूज फैलाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने होलिका दहन के राख लगाए थे, उनको कहा कि ये शहीदों के राख है। और दिल्ली के मयूर विहार फेज में एक शेड्यूल कास्ट के साथ बहुत अत्याचार हुआ है, उनको नाम कहा गया कि अपना नाम ढक दो, उसको लेकर भी लोग लगातार लिख रहे हैं। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया, और शुभम शुक्ला कह रहा है एक एफआईआर होने के बाद कि हम पत्रकारिता छोड़ देंगे। सोचिए, ये लोग कितने डरपोक हैं, लेकिन दूसरे पर बुलडोजर चले इनको मजा आता है, मुसलमानों को जेल में सरा दिया जाए इनको मजा आता है। ये लोग ऐसे, मतलब क्या कहा जाए, ये लोग ना न्याय के पक्ष में खड़े हो सकते हैं, अन्याय इनसे करवा लीजिए शुभम शुक्ला से। तो सोशल मीडिया, सोचिए, 1947 में देश आजाद हुआ, बिना चुनाव के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज के बन गए थे, सभी विश्वविद्यालय के कुलपति अभी भी वो बने हुए हैं।
और भारत में जब गवर्नमेंट इंडस्ट्री खुलती है तो ब्राह्मणवादियों के साथ साथ एससी एसटी ओबीसी को भी नौकरी मिलती है, इसीलिए मनुवादी चाहते हैं कि सरकारी कंपनियां बंद हो जाए। और सोचिए तो जब तक मंडल कमीशन की सिफारिश नहीं लागू हुई थी सरकारी कंपनियां बन रही थी, सरकारी नौकरियां थी। मंडल कमीशन लागू होते हुए सबसे ज्यादा शोषण ओबीसी का हो रहा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल खबरें हैं, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। और सोचिए ये ताकत तो जाति से ही आती है कि बिना ग्रेजुएशन के कोई आईएएम का डायरेक्टर बन जाए। प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।